हे दोस्तों, ये मेरा पहला व्लॉग इसलिए इस चैनल पर डाल रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जितने भी व्लॉग्स बनेंगे वो जीशान शेख चैनल पर जाएंगे। सो अगर आप व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हो तो वो चैनल जरूर चेकआउट करना। नाउ लेट्स स्टार्ट। और कार अनलॉक छोड़ दी। औरत का चक्कर बाबू भैया, ये गिफ्ट एक खास यूट्यूबर के लिए। व्लॉग स्टार्ट हो गया है। आज हम लोग जाने वाले हैं कुछ चीजें लेने, एक सीक्रेट यूट्यूबर से मिलने जा रहे हैं हम लोग। आज नहीं जा रहे, सॉरी, आई एम नूब। पॉडकास्ट करने जाएंगे बाद में। कमेंट करके बताओ कौन है वो यूट्यूबर। सो अभी मैं अमे और पाथ का वेट कर रहा हूँ, अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहली प्रायोरिटी है, दो तीन काम है आज करना है। और पहला तो एक परफ्यूम लेना है, गिफ्ट लेना है बेसिकली, पर भी कुछ देखेंगे, बुक लेना है, और एक दूसरी चीज ट्राइपॉड्स और ये सारी चीजें थी। बिकॉज व्लॉग का हमारा बहुत टाइम से सपना था मेरा कि व्लॉग चालू करूंगा, और वो व्लॉग करना ही है, तो उसके लिए ट्राइपॉड्स की भी नीड पड़ेगी। स्लोप पे फट गया भाई। हाँ नहीं, मेरे को हो गया, अपडेट हो गया। रोड चालू है, रोड माइक चालू है। बात ये है कि हाँ, ऑक्स केबल है, लेकिन हम लोग की जितने भी मोबाइल है कोई भी वो 3.5 mm जैक सपोर्ट नहीं करते हैं, और ये गाड़ी में ब्लूटूथ नहीं है, तो FM सुनते हुए जाएंगे, इसमें चिल मारेंगे। गाड़ी में सॉन्ग सुनते हुए किसी ट्रिप पे जाने का मजा ही कुछ और होता है, और यही मजे हम FM के पुराने सॉन्ग सुनते हुए ले रहे थे। तो मैंने सोचा रुक जाते हैं यहाँ पे, ये ना व्यू बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आए लोग मुंबई के साथ ऐसा करके कुछ थोड़ा सा खींचूंगा, फोटो तो खींचूंगा, लेकिन ये बंद है यहाँ से, आई थिंक ये चालू नहीं है, या फिर होगा भी तो बहुत घूम के जाना पड़ेगा। देखते व्यू दिखा दो। हमने को फोटो खींचते थे थोड़े जो स्टॉक पे ना, मैंने जो स्टॉक किया है उसका, उसमें उन्होंने बोले कि आप फोटोज खींच के भेज दो अपनी कार के साथ, मे बी बिफोर आफ्टर करके ऐसा वो इफेक्ट आता है ना, उसके लिए मैंने बोला अच्छी जगह है, हमने थोड़ा फोटो खींच लिया। अभी तुम भी वीडियो बना रहे हो, ये भी फोटो खींच रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं सेलिब्रिटी हूं। आई एम नूब। 10 मिनट में पहुंच जाते थे, बट ट्रैफिक हमेशा ऐसे ही रहता। अभी तो फिर भी कम हो गया। हाँ, ट्रैफिक यहाँ पे आएंगे ना, कोई ना कोई यहाँ पे पकड़ ही लेता है कि भाई चाहिए कि नहीं, एजेंट चाहिए कि नहीं, एजेंट चाहिए। चलो चलो भाई, देख लो, सिर्फ देख लो, सिर्फ देख लो, पसंद आया नहीं आया नहीं आया, बस आ जाओ, ऐसा ऐसा एक ना एक बार होता ही है। सो यहाँ पे हम एक शॉप में आए थे, बट शॉप में नहीं मिला है, कहीं और जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला शॉपर स्टॉप में मिल जाएगा, तो अभी हम लोग जाते हैं शॉपर स्टॉप। चलने फिरने की आदत इतनी खत्म हो गई है ना कि मैं सिर्फ 5 मिनट चला और ऐसा थकान हो रही है, इतना गर्म लग रहा है। 8 मिनट चलने के बाद जो लग रहे थे 1.5 घंटे से हम लोग चल रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छी स्मेल है। आई डोंट नो हम लोग क्या ले रहे हैं, अरमानी का कुछ तो, आई थिंक सो। हमें को लग रही है बहुत ज्यादा भूख, पार्थ भी परेशान लग रहा है, बट मैंने सोचा थोड़ी बहुत और शॉपिंग करके जाते हैं। मुझे लेना चाहिए, कमेंट करके बताओ, फिर ऑफिस आके खरीदूंगा। सो गिफ्ट ले लिए, मैंने अपने लिए भी परफ्यूम ले लिया, टू वॉश क्लासिक, उसका अच्छी स्मेल आ रही है। पहला टास्क ब्रेड, इसको कुत्ते ने हम तीनों धोखा दिया। जब उन्होंने दूर से देखा तो एकदम रियली लगा। सो अभी खाने के लिए रुके हुए थोड़ा, इतना भूख नहीं लगी है, नॉर्मल से खा ले रहा है, दही पूरी ये सब। मैं घर जाने का वेट नहीं, और मैं सुनो यहीं लेके मारते हैं ना, क्या हो गया? बास आ रही है, वैसे भी स्मेल आ रही है, इतना पसीना, इतनी गर्मी हुई ना कि यहीं पे यूज करने का दिल कर। छोटा बच्चा बॉस, सच लाइफ में पहली बार ही खरीदा है इतना महंगा परफ्यूम। अच्छा लगा लाइफ में कुछ ऐसा पहली बार करने। तो हम लोग पहुंच गए फोर्ट, और हमें और पाथ को मैंने बोला जाके ट्राइपॉड्स खरीद लो, और माइक भी शायद लेना होगा, नहीं होगा, पार्किंग काफ़ी इशू होता है, तो मैंने बोला आप जाके ले लो, मैं यहाँ पे गाड़ी के साथ रहता हूँ, तो सुबह तो यहाँ वहाँ कर सकते हैं, थोड़ा आराम भी करना था, इतनी ट्रैफिक थी ना, दिमाग ख़राब हो गया।
ट्राइपॉड खरीदने राशिद भाई की शॉप पे, ऑलरेडी लेट हो गया है, हम आपको ऊपर मिलते हैं। राशिद भाई के यहाँ पे आया है एंड हमने दो ट्राइपॉड खरीदे एंड राशिद भाई हैज गिवन अस अ ब्यूटीफुल डील, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से। अच्छा चीज मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, हम जितनी भी चीजें खरीदते हैं राशिद भाई से ही खरीदते हैं क्योंकि राशिद भाई गिव्स अस द बेस्ट डील एंड आते रहेंगे जरूर जरूर। ठीक है, ट्राइपॉड ले लिया गया है, अब व्लॉग चालू होने वाला है। कौन सा ट्राइपॉड है? जॉबी 5K। सो मुझे कुछ आइडिया है नहीं ट्राइपॉड का, लेकिन हमें बोले बात ने बोले अक्षय ने भी बोला कि ये वाला ट्राइपॉड बेस्ट होता है। शो भी ओके, ट्राइपॉड ले लिया और एक और ट्राइपॉड लिया ना, वो पता नहीं यू कैंडी क्या नाम है उसका, जापानीज नाम है कुछ तो। बेसिकली हम लोग का सेकंड मिशन भी पूरा हुआ, अब थर्ड मिशन देखते हैं कितना पूरा होता है। अब थर्ड टास्क की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कपड़े की शॉपिंग करनी थी। कुलाबा आ गए हैं, पार्थ ने एक अच्छा रेफरेंस बताया है कि कोई तो उसका फ्रेंड है ना। हाँ क्या है बता दो ना जरा। फैज पंजवानी, अल्फा अल्फा करके क्लोथिंग लाइन है उनकी। ओके, चीप रेट में मिल जाता है? एकदम भी चीप नहीं, मतलब बड़े डिसेंट है, रीजनेबल रीजनेबल प्राइस में। ठीक है, देखते हैं कितना रीजनेबल है। औरत का चक्कर बाबू भैया, बड़ा टेंशन में है, मेरे को लगा कि मैं टॉर्चर कर रहा हूँ शॉपिंग कर करके, बाद में पता चला लड़की का चक्कर है बाबू भैया। हमने सारे मिशन को बड़ी मुश्किलों से हमें को परेशान कर करके दौड़ा के, पार्थ को भी परेशान कर करके, आखिरकार 9 बजे कितने बज रहा है 9 बजे अपना मिशन कम्प्लीट कर डाला। ये लड़की का चक्कर, लड़की के चक्कर में टेंशन में अंकल दो लड़की के चक्कर में फंसे हम लोग, तो फर्क है छोड़ दिया हूँ ना। घर वाली को खुश करने का कोई प्रो टिप दो, कुछ भी शॉपिंग कर लो, कुछ गिफ्ट दे देने का, गिफ्ट दे देंगे तो खुश लेना पड़ेगा तुमको। लड़का कपड़े जो शॉपिंग किए पूरा भूल गया था और बोलता आपके पास है, नूब फेल, पास होके भी फेल, जीत के हारने वाले को बोलते बाजीगर। अच्छा कैसा बनी करी मेरे लिए कुर्ती लेता हूँ। हमने अपनी शॉपिंग तो करी ली थी, फिर मैंने सोचा अपनी वाइफ के लिए भी कुछ चीजें ले लेता हूँ। चूज कर रहा था कौन से कुर्ते लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, और उसमें से मुझे चूज करना था कि 4-5 में से कौन सा कुर्ता लूँ कौन सा नहीं लूँ, बट फिर कन्फ्यूजन मेरा इतना बढ़ गया कि मैंने बोला काम करते हैं सभी ले लेते हैं, तो मैंने सारे कुर्ते ले लिए। अभी हम लोग शॉपिंग करने गए थे और कार अनलॉक छोड़ दी। आई एम नूब, इतने ही बड़ा ब्लंडर कौन करता है? ये हमें की गलती है, सब हमें की गलती है। मैंने बोला था कैमरा और मेन चेरी ऑन द टॉप, हम लोग इनके वाइफ के लिए शॉपिंग करने गए थे और उनके लिए भी, तो उनकी वाइफ के लिए उन्होंने ये कपड़े लिए एंड उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लेना चाहिए, तो बोलते हैं भाई सारे ही डन कर दो, ऐसे ऐसे हस्बैंड चाहिए। बस बीवी खुश तो जिंदगी खुश रहती है। ये सारी शॉपिंग की हमने, ये वाइफ की शॉपिंग, ये गिफ्ट एक खास यूट्यूबर के लिए, ये मेरी शॉपिंग सब, ये ट्राइपॉड, एक ट्राइपॉड वहाँ पे, इसको देखो, ये ट्राइपॉड भी खरीदे, कुल मिला के बहुत खर्चा कर डाले भाई आज। ब्लॉग देखो अच्छे से, सब्सक्राइब करो, इस पर एडसेंस भी रन करना पड़ेगा क्योंकि मैं गरीब हो जाऊंगा अगर मैं ऐसे खरीदी करूंगा तो। KTA सॉन्ग बजाता था कि लाइक कुछ भी इशू, छोटे मोटे इशू, डांसर रिलेटेड ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा है, तो उसकी कार में ही सुनता था मैं। मैंने तभी डिसाइड किया था यार कभी ना कभी मेरी भी कार होगी और उसके अंदर मैं ऐसे गाना सुनूंगा और मोटिवेट होऊंगा अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, तो भी एक काइंड ऑफ सपना मेरा पूरा हो रहा है, अभी पूरा ही हो रहा है। जैसे अभी गाना बजा रहा हूँ बेसिकली मैं अपने एक सपने को पूरा कर रहा हूँ जो मैंने पहले, जब सच बोलूँ तो ना, जब मैंने कार लिया था ना सबसे पहले दिन, तो पहले दिन ही आना कोई भी नहीं था, मैंने अकेले में गाना चालू किया और अकेले सुना है गाने को और इतना फील आया ना मुझे, इतना अच्छा लगा, लिटरली मैं इमोशनल हो गया था, आग से थोड़ा सा आग पानी जैसा हो गई थी, मैं रोने जैसा हो गया था मैं, क्योंकि मैंने डिसाइड, जो कभी कभी सपने देखते हो और वो जो पूरे होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और आज भी जो हम लोगों ने किए, मैं सबको जो देख रहा है नहीं देख रहा है उस देख रहा है नहीं देख रहा तो उसको नहीं बता सकता, बट जो देख रहा है उसको यही बोलना चाहूंगा कि यार अगर आप सपने देखते हो उससे रिलेटेड एक्शन लेते हो, थोड़ा पेशेंस रखते हो, काम करते रहते हो, तो आपको सपने पूरे होते हैं। अभी बचपन में कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना खर्चा करूँगा एक दिन में ऐसे, और उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, बट आज ऐसा हो रहा है और तुम लोग बोल रहे तब मेरे को थोड़ा सा रियलाइज हुआ। ओके, जब तुम लोग ने ऐसा बोले ना मेरे को रियलाइज हुआ और ये भी हिट हुआ कि हाँ यार अब इतने कैपेबल हम बन गए हैं कि हम इतना शॉपिंग कर सकते हैं, 1000 रुपये ऐसी खर्च कर सकते हैं और फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ हर एक इंसान इतना कैपेबल बने, वो अपने पैसा नहीं सिर्फ एक मोड होना चाहिए कि हाँ अपनी
खुशियां मिल रही है तो वो सब खुशियां हमको हासिल करने का होना चाहिए हम सबके अंदर। एंड आई होप मैं थोड़ा सा काम करता हूँ जिससे ना आप लोग भी वो सब चीजें कर पाओ, अपने सपने पूरे कर पाओ। सो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन है वो सीक्रेट यूट्यूबर जिसके साथ हमने पॉडकास्ट शूट भी किया है, व्लॉग 2 भी बनाया है जो हम जल्दी ज़ीशान शेख चैनल पर डालेंगे, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो। नया व्लॉग हम जल्दी ही डालेंगे और आपको बहुत मजा आएगा।